हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आप लोगों को पता है हर साल IUQM के अंदर जिस ईयर में वो एग्जामिनेशन होता है उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताऊंगा 2024 की। तो ये 2024 है ना, एक ऐसा नंबर है जो बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर -1 से बनता है। तो परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एन स्क्वायर -1 टाइप की चीज होती है। तो ये एन -1 इंटू एन +1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको फैक्टराइज कर दो तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। अब देखो इसमें खास बात क्या है, इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है ना, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, वो 2 की पावर आएंगे। ये इसकी खास बात है। क्या आएंगे? 4 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 4 है ना। 16 इसके डिवाइजर्स बेसिकली आप लोग देख सकते हैं, 16 इज द नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच इट हैज। अब देखो दोस्तों, इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर है जो फैक्टर्स है, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ नंबर्स विथ 2 प्राइम डिवाइजर्स ओनली। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, ये 2 की पावर से भरमार है। 2 खुद 2 की पावर 1 है, 2 खुद 2 की पावर 1 है, 4 2 की पावर 2 है। इनकी सम ऑफ डिजिट करोगे, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2024 इज 8, अगेन 2 की पावर 3। तो आप देखिए दोस्तों, यहां 2 की पावर बन रहा है, यहां 2 की पावर बन रहा है, यहां 2 की पावर है ही सही, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 3 है। तो 2 की पावर से रिलेटेड काफी अच्छा क्वेश्चन इस साल आप देख सकते हैं जो आएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता भी देता हूं, 2 की पावर A -2 की पावर B इज इक्वल टू 2024 है ना। ये एक क्वेश्चन है जो आप लोग देख सकते हो। इसमें ए और बी आप लोगों को नेचुरल नंबर देगा, इसका सॉल्यूशन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, मगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप 2024 को ध्यान से देखो, देखो मैंने सम ऑफ डिजिट किया, तो ये प्रॉपर्टी होती है ना, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एन मॉड 9। यहां पे एक प्यारा क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। 23 और 11 इनके डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि कौन से नंबर डिविजिबल बाय 11 होंगे। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है आप लोगों को पता है, अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो इसकी ऑड डिजिट्स का सम माइनस इवन डिजिट्स का सम मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 11। इस पे एक अच्छा क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों जो आप लोग उम्मीद कर सकते हो वो क्या है, ये सीरीज है 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, इसमें से देखो परफेक्ट स्क्वायर्स गायब है। तो इस चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि यार कितने परफेक्ट स्क्वायर गायब होंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर यहां पर यूज हो रहा है, या फिर आपको एक नंबर बता देगा क्या इट इज अ गुड नंबर। गुड नंबर क्या होते हैं, जिनको हम एन स्क्वायर माइनस वन की टर्म में लिख सकते हैं। तो कितने गुड नंबर्स होंगे एक पर्टिकुलर सेट में, कोई सेट आपको दे देगा और पूछेगा ना। मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, इससे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स तो आ ही सकती हैं, बट इस नंबर की जो पूरी प्रॉपर्टीज है ना वो आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। 2024 45² - 1 होता है, उससे रिलेटेड ये उसका फैक्टराइजेशन है, ठीक है। अब एक और चीज जो मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान रखें, 2024 का नेक्स्ट नंबर दोस्तों 2025 है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। परफेक्ट स्क्वायर इकलौते ऐसे नंबर होते हैं जिनके ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते हैं, ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते हैं, राइट। ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स होने वाले ये इकलौते ऐसे नंबर होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो इस चीज पर भी आप एक अच्छा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब देखो इसका अगर फैक्टराइजेशन करके देखोगे ना, तो ये क्या रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 23, राइट। अब इसको देखो अलग अलग तरीके से आप कंबाइन कर सकते हो। एक कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों को बताता हूं, 22 इंटू कितना हो गया, 4692, ठीक है। क्या पूछेगा, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, राइट और आपको अलग अलग तरीके से फैक्टराइज करना
आना चाहिए। तो ये फैक्टराइजेशन कहीं ना कहीं पूछ सकता है। और इसके अंदर दोस्तों आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे इररिड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलीनोमियल से रिलेटेड आ जाएगा। मतलब क्या बोलेगा, कुछ पॉलीनोमियल लिखा होगा जिसका कोफिशिएंट एंड में जो कोफिशिएंट था वो ये होगा, और फिर आपको दो पॉलीनोमियल में उसको तोड़ना होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा, ये डिग्री 4 होगा, और यहां पे एंड में आपको 22 बनाना पड़ेगा, यहां पे 92 बनाना पड़ेगा। और फिर आपसे जैसे ये दे रखा है ax plus by bx, a plus b पूछ लेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स दोस्तों 2024 से रिलेटेड है। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा दोस्तों 2024 से रिलेटेड क्लियर हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको और शेयर कीजिएगा। लेट्स क्रैक इट।